अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए मैं दुआएं कबूल होने के 10 ऐसे परफेक्ट टाइमिंग आपको बताता हूं जिसमें कबूलियत की घड़ी होती है। वैसे दुआएं कभी भी कबूल हो सकती है, दुआएं कबूल करने वाला कभी भी दुआ कबूल कर सकता है, लेकिन हदीसों और किताबों में बहुत सारे ऐसे वक्त आए हैं कि जिसमें दुआएं कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है, उनमें से मैं 10 आपको बताता हूँ। नंबर 1, सजदे की हालत में। नंबर 2, अजान और इकामत के बीच में। नंबर 3, बारिश के वक्त में। नंबर 4, फ़र्ज नमाज के फौरन बाद। नंबर 5, तहज्जुद के वक्त। नंबर 6, इफ्तार के वक्त। नंबर 7, जुमा के 2 खुतबों के बीच में। नंबर 8, जमजम का पानी पीते वक्त। नंबर 9, तिलावत कुरान के फौरन बाद। नंबर 10, तौबा करने के फौरन बाद। मुझे उम्मीद है कि आप इन अवकात में दुआओं का खास एहतमाम करेंगे, खुद के लिए भी करेंगे और हमारे मुल्क के लिए भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।